इंसान की बारात में भूत चुड़ैलों का डांस। जोर शोर से ढोल ताशे बज रहे थे। रात के समय निशांत घोड़ी पर बैठकर आ रहा था, वहीं उसके बाराती लोग नाच रहे थे। उसी में कुछ भूत और चुड़ैल भी जोर शोर से नाच रहे थे। ओ बल्ले बल्ले, आज मेरी भांजे की शादी है, जरा जोर जोर से तुम सब ठुमके लगाओ। अरे ओ बैंड बाजी वाले, जरा चिकनी चमेली बजा। जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पर चल के अंगारे ले लूंगी मैं। हाय चिकनी चमेली चुपके अकेली पौवा चढ़ा के आई। अरे जरा बुढ़िया को देखो, कितना थिरक रही है, क्यों ना हम इससे ज्यादा रंग जमाए। हाँ बिल्कुल, बारी न आए हमारी, बाराती देखे सारी, बारी न आए हमारी, बाराती देखी सारी, नाचे हम सब की बारातों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ये देखो, नाच तो ऐसे रही है जैसे इसी की शादी हो। बेटा इतना अच्छा डांस, काश तू अपनी शादी में करती तो मैं तुझे शगुन में 1 रुपया तो दे ही देता। ये तेरा ज्यादा हो गया प्रीतम, खुद को तो आता नहीं है डांस करना, जरा करियो। अबे चैलेंज मत कर, बहुत अच्छा नाचना आता है मुझे, बारात में मरने से पहले खूब नाचा था, दोस्त की शादी में वो अलग बात है कि भूतिया लोग में तरस गया हूँ बारात में नाचने के लिए। हाँ तो मुंह क्या फाड़ रहा है, अब जरा खुद भी नाच के दिखा। टेंशन सारी छोड़ दी, ओए आज कमीना, ओए होए शोर की ओए। हाँ मुझे डांस आया बड़ी जोर से, नाचूंगा मैं ऐसे जैसे कोई देख नहीं रहा, देख नहीं रहा, नाचूंगा मैं ऐसे जैसे कोई देख नहीं रहा। नाचते नाचते भूतिया प्रीतम दूल्हे की घोड़ी पर बैठ जाता है, तभी उसके भूतिया दोस्त कहते हैं, अरे कम से कम दूल्हे को तो छोड़ दे, उसकी शादी में तू क्यों उसकी घोड़ी पर जाकर बैठ गया है। अरे तू नाचते नाचते उधर कैसे पहुंच गया नीचे। वो क्या है ना, मैं जब डांस करता हूँ तो मगन होकर करता हूँ, इसलिए मैं घोड़ी पर आ गया। तू बोले तो राका, मैं तुझ पर भी बैठ सकता हूँ। इतना भी मगन होकर नाचने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों से अच्छा मैं नाच लेती हूँ, पर पहले आगे चलो, बारात आगे पहुँच गई है। ठीक है, और उसकी शादी में पहुँच कर बहुत अच्छा अच्छा खाना भी खाएंगे, देखेंगे इस फटीचर दूल्हे की दुल्हन कितनी अच्छी हो गई। मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। तभी इंसानों की बारात वाटिका के चौखट पर पहुँच जाती है, जहाँ दूल्हा भी नाचने लगता है। इस पागल दुल्हे से तो अच्छा हम ही डांस कर लेते हैं। ये तूने सही बोला, और सबसे ज्यादा अच्छा डांस मेरा है, जैसा कि तुम सब देख चुके हो। अभी बस इन इंसानों ने ही नहीं देखा, उनकी बारात में कब से हम नाचते हुए आ रहे हैं। अगर ये सब लोग हमें देख लेते हैं तो भगा ही देते, डरते वो अलग। और ये बोलते कि कितने डरावने भूत और चुड़ैल नाच रहे हैं, यार बहुत देर हो गई, बहुत नाच लिया, थक चुके हैं, चलो पेट पूजा करने चलते हैं। हाँ चलो। इतना कहते ही सारे भूत और चुड़ैल शादी में घुसकर खाना खाने लगते हैं और शादी में इंसानों को छेड़ते हैं। कभी चुड़ैल दुल्हन की सैंडल चुरा लेती है, तो कभी भूत दूल्हे का पूरे स्टेज पर नाड़ा खोल देते हैं, जिसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया, अरे फोटो लेना बंद करो। अरे तुम क्यों मुझे देख रही हो, शर्म नहीं आती क्या? अजी आपसे क्या चीज सब। अरे चुप कर बेशरम बहू, अपने जज्बातों पर कंट्रोल रखे कर, अभी टाइम है तुझे अपने दूल्हे के कमरे में जाने में। देखा क्या पोपट कर दिया मैंने दूल्हे का। तू पागल है प्रीतम, बेचारे की शादी क्यों बर्बाद कर रहा है, उसने तुझसे कुछ कहा क्या? अरे तो क्या हुआ, प्रीतम की वजह से कितने सारे इंसान हंस रहे हैं हमारी तरह दांत फाड़ कर। इसके बाद सारे भूत और चुड़ैल अपने भूतिया लोग पहुंच जाते हैं, जहां वो और भी भूत और चुड़ैलों को इंसानों की बारात में जाने की बात बताते हैं। यार सही मजे लिए हैं तुम लोगों ने, हमें भी बारात में जाना है इंसानों की, हमें भी नाचना है, हमें भी ले चलो ना। हाँ यार, कोई दूसरी बारात आएगी तो हमें भी ले जा। ठीक है हम लेकर चलेंगे, मैं इंसानों की दुनिया में जाकर शादी काले घर में जाग कर आता हूँ कि किस तारीख की शादी है। अरे मोरी मैया, हमार भूतिया लल्ला कितना समझदार हुई गवा। अबे हट, मेरे बाल मत छेड़, बड़ी मुश्किल से सेट होते हैं। बालों
घंटों को सेट करता रहता है, इसलिए इससे अभी तक कोई भूतनी नहीं पटी। हो गया तुम लोगों का, वेरी बैड जोक, हंसी नहीं आई। ये कहते ही प्रीतम इंसानी दुनिया में जाकर शादी वाले घर में घुसता है और उनके लड्डू खाकर शादी की डेट देखकर वापस आ जाता है और अपने भूत और चुड़ैलों को बताता है। कुछ दिन बाद भूत और चुड़ैल लक्ष्य नाम के लड़के की बारात में नाचने लगते हैं। अरे खड़े क्या हो तुम सब, चलो चलो बारात में नाचने लगते हैं। बैंड बाजा शुरू हो चुका है, बले बले शावा शावा, बले बले ओए होए बले बले। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तो मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। अबे यार तू इतना लेट लेट कर क्यों नाच रही है, अब क्या नागमणि लेकर ही मानेगी? अबे तू चुड़ैल है नागिन मत बन, मेरा नाच देख। सपने में मिलती है ओए कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, सारा दिन घूंघटे में बंद पड़ी आसी, अखियां में खिलती है। आहा, भूत भूत मेरी बारात में, भूत और चुड़ैले नाच रही हैं। पापा पापा देखो। अरे भूत आ गया, भूत आ गया, अरे भागो भागो। पापा पापा मुझे नहीं करनी शादी, चलो वापस चलो। ये बोलते ही लक्ष्य और उसकी बारात सब एकदम से गायब हो जाते हैं। ये देखकर राका बोलता है, ओ माय माता ये कैसे हो गया, आखिर इंसानी बारातियों ने हमें देख कैसे लिया, पिछली बारात में तो किसी को कुछ पता नहीं चला था, बेचारे शादी करने से इनकार कर गया। ये सब इस पागल प्रीतम की वजह से हुआ है, भूल गए तुम आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन हमें इंसान बेहद आसानी से देख सकते हैं। अरे यार हमारा बारात में नाचने का कितना मन था, हमने नाचा भी नहीं उससे पहले बारात भाग गई। अरे तुम चिंता मत करो, दो चार दिन बाद फिर किसी इंसान की बारात आएगी तो हम फिर उसमें नाचने चलेंगे। तभी भूत और चुड़ैल उदास होकर अपनी दुनिया में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर किसी इंसान की बारात बैंड बाजे के साथ आ रही थी, जहाँ सभी लोग नाच रहे थे। फिर वो भूत और चुड़ैल फिर से जाकर नाचने लगते हैं। ओए ढोल वाले बैंड बाजा लेके आओए, ओए तेनु दूल्हा किन्ने बनाया भूतनीक, तेनु घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनीक, भूतनीक हाँ भूतनीक। जैसे ही बरातियों का ध्यान भूत और चुड़ैलों के नाचने की तरफ जाता है तो वो सब हक्के बक्के रह जाते हैं और उनसे डरने लगते हैं। अरे मेरी मैया, इतने सारे भूत और चुड़ैल मेरी शादी में, अरे कैसे आए? पापा आपने इनको भी इनविटेशन कार्ड दिया था क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं ये मेरे बेटे की शादी रोकने तो नहीं आए? अरे नहीं नहीं आप हमें गलत समझ रहे हैं, हमसे डरिए मत, हम तो बस बारात में नाचने आए हैं। पापा पापा आप तांत्रिक वगैरह को बुलाओ, कहीं ये हमें मार ना दे, भूत और चुड़ैल तो वैसे भी मार देते हैं और मैं अपनी शादी के दिन मरना नहीं चाहता। अरे डरो मत, मुझे तांत्रिक का काम भी आता है, शादी कराने के अलावा मैं इन भूत चुड़ैलों को ठिकाने लगाता हूँ। अरे प्लीज प्लीज आप हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, हम किसी को मारना नहीं चाहते, बस अपने भूतिया लोक से यहाँ नाचने के लिए आए थे। वो क्या है ना, हमारे भूतिया लोक में शादी नहीं होती और आप सब लोग इतना एंजॉय करते हो, तो बस वही करना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि आप हमें देख पा रहे हो या नहीं। हम सच में ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हमें छोड़ दीजिए। अरे लगता है ये मासूम भूत और चुड़ैल सिर्फ मनोरंजन के लिए आए थे, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे बेटे की शादी, मेरा मतलब बारात में नाच सकते हो। सच में अंकल, ओ बले बले। ये सुनकर सारे भूत और चुड़ैल खुशी से उछल पड़ते हैं और हरभजन के कहने पर शादी में शामिल होकर नाचने लगते हैं। तभी लंका दुल्हन का हाथ पकड़ कर आता है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे अगोरी, आएंगे तेरे सजना। इनका सजनवा मैं हूँ लंका भूत जी। इस तरह भूत और चुड़ैलों के बारात में नाचने की इच्छा पूरी हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में लौट जाते हैं और अपनी बिरादरी की चुड़ैलें ढूंढकर अपनी बारात में भी नाचते हैं। प्रिया अपने परिवार में अपने पति, एक बेटी और सास के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, इतने गरीब कि उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। ऐसे में वो रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी झोपड़ी में गुजारा कर रहे थे। बहू, अरे बहू जल्दी कर, अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो तरबूज नहीं बिक पाएंगे। जी माँ जी। प्रिया और उसकी सास तरबूजों की टोकरी लिए उन्हें बेचने चली गई। वो दोनों स्टेशन पर तरबूजों को बेच ही रही थीं कि तभी प्रिया की नजर दो आदमियों पर पड़ी जो स्टेशन पर आरओ वाटर बेच रहे थे। देखो तो जरा सासू माँ,
इस दुनिया में आजकल पानी भी पैसों का मिलता है। हाँ सही कहा बहू, कैसा रहेगा अगर विकास भी यही काम शुरू कर ले। अच्छा विचार है, वैसे भी विकास जी जो काम करते हैं उससे हमारे घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता है। हो सकता है इस काम को करने से कुछ बदलाव हो। सही कहा, घर चलकर उससे बात कर लेना। दोनों सास बहू ने शाम तक स्टेशन पर तरबूज बेचे। तरबूज बेचने से उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी और आज भी वो अपने सारे तरबूज बेच कर घर लौटी और फिर प्रिया ने अपने पति विकास से बात की। विचार बुरा नहीं है। चलो वैसे भी इस काम में तो ना की बराबर ही आमदनी है, तो मैं कुछ दिन ये काम भी करके देख लेता हूँ। लेकिन प्रिया, इस काम के लिए हमें बोतल चाहिए होंगी और वो हमारे पास कहाँ से आएंगी? आप जाकर किराने वाले से पूछ लीजिए, हो सकता है वहाँ कुछ खाली बोतल पड़ी हुई हो। हाँ तुम ठीक कहती हो। विकास ने ऐसा ही किया और कुछ ही देर में उसके पास कई बोतल इकट्ठा हो गई। देखिएगा, अब अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हमारे दिन बदल जाएंगे। अगली सुबह दोनों सास बहू ने अपने तरबूज संभाले और विकास और उसकी बेटी अरुषि ने हैंडपंप से पानी की बोतलों को भर लिया और पूरा परिवार उन्हें बेचने स्टेशन पर निकल गया। तरबूज ले लो, लाल लाल मीठा मीठा तरबूज। बहन बढ़िया मीठा सा तरबूज तो खिलाओ, अभी लो। एक तरफ प्रिया और उसकी सास हमेशा की तरह तरबूज बेच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, अरे बेटा क्या ये पानी पीने लायक है? हाँ भैया, ये पानी पीने के लिए ही है। और बोलो आपको चाहिए? हाँ यहाँ हैंडपंप पर तो बहुत भीड़ है, तो तुम अपनी बोतल से मेरी बोतल को भर दो, ठीक है? अरुषि ने उस लड़के की बोतल को भर दिया और बदले में उसने उसे पैसे दे दिए। इसी तरह सभी लोग उसके पास आ जाकर अपनी बोतलें भरवा कर जा रहे थे और शाम तक उनकी भी काफी अच्छी बिक्री हो गई थी। अरे भगवान का शुक्र है, जिस काम में मैं पूरा दिन मेहनत करके भी 100 रुपए नहीं कमा पाता था, आज मेरी उससे 2 गुनी बिक्री हुई है। चारों शाम होने पर अपने घर आ गए और उस रात उन सभी ने अच्छा खाना खाया। वाह, अब तो लग रहा है कि हाँ जिंदगी में मजे नाम की भी चीज होती है। ये बस सब तुम्हारी बदौलत हो पाया है। अब अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द हम अच्छा सा घर भी बना लेंगे। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और अब प्रिया के परिवार के दिन भी बदलने लगे थे। विकास का काम भी अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी इस कामयाबी को देखकर वहीं स्टेशन पर आरओ वाटर बेचने वाले विहान और विवान विकास से जलने लगे। यार जब से ये आदमी और इसकी बेटी यहाँ आए हैं तब से तो हमारी बिक्री होनी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, इनका कुछ करना पड़ेगा। विकास और अरुषि हैंडपंप से पानी की बॉटल्स भर रहे थे कि तभी वहाँ विवान और विहान आ गए। अरे ओ। हाँ भाई, मुझसे बोला क्या? हाँ तुझे से बोला, सुन अगर अपना भला चाहता है तो अभी के अभी इस काम को छोड़ दे, वरना। वरना क्या? हमसे जुबान लड़ाता है। बाबा ये अंकल क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम पीछे रहो, इन्हें मैं देखता हूँ। क्या देखेगा रे तू, बोल बोल। इसी तरह से बात बढ़ गई और उन सभी में हाथापाई शुरू हो गई। अपने पति को लड़ते देख प्रिया उन्हें छुड़ाने के लिए भागी और कंचन भी वहां आ गई। छोड़ो छोड़ो मेरे पति को, क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? दोनों सास बहू विकास को छुड़ाने लगी कि तभी उन दोनों ने उन्हें जोर का धक्का मारा, जिसकी वजह से प्रिया और कंचन रेलवे ट्रैक पर जा गिरी, जहां उनके सिर में जोर से चोट लगने की वजह से वो वहीं मर गए। तो वहीं दूसरी तरफ, माँ प्रिया ये तुमने क्या किया? अरे तो तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, अब हम भी तुझे इनके पास ही भेज देते हैं। विवान ने जोर से विकास की गर्दन पकड़ी और जोर से उसका सिर हैंडपंप में दे मारा। बेचारे विकास की सांसें भी वहीं रुक गई। 10 साल की छोटी अरुषि ये सब देखकर बहुत डर गई कि तभी, अब इसका क्या करें? अरे करना क्या है, जब इसके अम्मा अब्बा को ही हमने नहीं बख्शा तो इसको क्यों बख्शे, इसे भी मार देते हैं। उन दोनों हैवानों ने उस बच्ची को भी दम घूटकर वहीं मार डाला। लेकिन ये कहानी ऐसे खत्म होने वाली नहीं थी। बदले की आग में तड़पते हुए भूत और चुड़ैल लौट आए। भूत और चुड़ैलों ने अपने कातिलों से बदला लेने के लिए वहां के हैंडपंप को एक तरबूज हैंडपंप में बदल दिया, ताकि लोग वहां तरबूज का रस पीने के बहाने आए और कभी भी वापस न जा पाए। अरे वाह, ये तो तरबूज हैंडपंप है, मुझे एक गिलास जूस चाहिए। अभी देती हूँ। प्रिया ने ऐसा बोलकर अपना रूप बदल लिया और उस लड़के को रस देने के बजाय उसे मार डाला। अभी सभी इसी तरह से मरेंगे। इसी तरह वहाँ एक लड़की भी तरबूज का रस पीने आई। मुझे भी रस पीना है। अच्छा बोलो कितना दूं?
पहले आप मुझे इसे टेस्ट कराइए, उसके बाद बताऊंगी। उस लड़की के ऐसा बोलते ही उन चारों ने अपना असली रूप ले लिया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह से लगातार रोज मौत का सिलसिला जारी था। वैसे तो मैं हजारों लोगों को मार चुकी हूँ, लेकिन जब तक मेरे मुँह मेरे कातिलों का खून नहीं लगेगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मुझे भी उन बेदर्दी इंसानों से बदला चाहिए। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। विहान और विवान को उन चारों का तरबूज हैंडपंप भी खटक रहा था। यार, हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर क्या गए, ये कौन हमारे काम में दखलंदाजी करने आ गया? अरे जो भी हो, जब तक हम स्टेशन पर हैं तब तक कोई भी हमारी जगह नहीं ले सकता है। हाँ सही कहा। विहान और विवान दोनों उन भूतों और चुड़ैलों के हैंडपंप के पास पहुंच गए। उस समय उन चारों ने ही अपना रूप बदला हुआ था। ए सुनो, तुम चारों देखो, अगर अपना भला चाहते हो तो इस जगह को छोड़कर चले जाओ और अपना ये तरबूज हैंडपंप भी हमारे हवाले कर दो। विवान यह बात एक सांस में बोल गया, लेकिन उसने उन सभी के गुस्से को नहीं देखा। उन दोनों को देखकर भूत और चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने अपना रूप बदल लिया। क्या करेगा तू, बोल क्या करेगा? चुड़ैल, तुम? हाँ, हम चुड़ैल हैं और तुम दोनों की मौत भी। हमसे क्या चाहती हो? हम तुमसे अपना बदला चाहते हैं। हम वही हैं जिन्हें तुमने बेरहमी से मार डाला था, और आज अब तुम मरने को तैयार हो जाओ। विकास ने ऐसा बोलकर उन्हें कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया और पूरा परिवार उन दोनों पर झपट पड़ा। विहान और विवान की जब सांसें रुक गईं तब प्रिया बोली, आखिरकार मेरी प्यास शांत हो ही गई। चलो अब हम इस दुनिया को छोड़कर वहाँ चलते हैं जहाँ हमारी जगह है। चारों भूत और चुड़ैल अपना बदला लेकर मुक्त हो गए। उनके वहां से जाते ही वो तरबूज हैंडपंप भी जलकर राख हो गया और स्टेशन पर फिर से शांति लौट आई।